Hello students, my name is Amit Sharma and I welcome you all to this session. I've been associated with Vidya Mandir classes for more than 6 years and I have total experience of 9+ years. In this session, we are going to discuss organic compounds containing oxygen. So, usse pehle, I just want to say ke hope humari organic chemistry ki taiyari as such achhi chal rahi hogi. To usme jab hum organic chemistry ki baat karte hain तो दो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एक तो रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई करें वेदर इट इज अ मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन और इट इज अ रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन जिसमें रिएजेंट्स और नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो होप हम डेली बेसिस पे इन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं. स्पेसिफिकली हम नेम्ड रिएक्शंस और रिएजेंट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज अगर हम जेई मेंस की बात करें तो वी डोंट वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन जब हमारे पास कोई रिएजेंट आए और हमें वो याद ना हो कि उसका रोल क्या था. तो दीज आर थिंग्स विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एट दिस फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन में वी आर गोइंग टू कवर एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो प्रीटी बिग टॉपिक्स, बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एज सच और उसके उनके मैकेनिज्म्स और व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दैट रिएक्शन और क्या अप्रोच होना चाहिए उस चीज को डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो डिस्कस करेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा द हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड थोड़ा सा और इस चीजों को क्लियर करने के लिए इफ यू कैन जस्ट लुक एट दिस टेबल, राइट. तो वी हैव लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स इन जनवरी इन 2019-2020. तो जैसे जेई मेंस 2019 जनवरी में एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर में से 8 क्वेश्चन पूछे गए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से 13 क्वेश्चन और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में से 5 क्वेश्चन पूछे गए. सिमिलरली जेई मेंस 2019 अप्रैल में एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर में से 6 क्वेश्चन, एल्डिहाइड्स, कीटोन में से 8 और कार्बोक्सिलिक एसिड में से 5. और जेई मेंस 2020 जनवरी जो भी रिसेंटली हुआ था इस साल, तो उसमें एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर में से 7 क्वेश्चन और एल्डिहाइड्स, कीटोन में से 3 और कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी 3. सो दिस गिव्स अ आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस these particular topics. So let us start with the important named reactions from these topics as such. Okay, so ye reaction first we are going to start with the Riemann-Thiemann reaction, right? तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है ये Riemann-Thiemann रिएक्शन. फिनॉल के रिएक्शन में से हम इसको डील करते हैं और ये ऐसा रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं लाइक इसमें इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट होता है तो एंड व्हाट आर एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट तो हमें पता ही होगा. तो अगर इफ यू कैन लुक एट दिस रिएक्शन तो फिनॉल हमारे पास तो फिनॉल का रिएक्शन द रीजेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. यहां दिस रीजेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. दिस इज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ओएच या फिर ओएच नेगेटिव की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. तो हमारे पास दिस इज द रीजेंट एंड वी गेट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज सैलिसिल्डिहाइड एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर हमारे पास यहाँ पर जो सी एच ओ पैरा पोजिशन पे भी हो सकता था बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट एज सच. तो रीजेंट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि सैलिसिल्डिहाइड बनता है इस रिएक्शन में, ठीक है. और यहाँ पर और क्या क्या चीज इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल विद द मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर रीजेंट और ये रीजेंट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम क्लोरोफॉर्म और OH नेगेटिव एल्कोहलिक KOH का मतलब है इट इज इवन मोर बेसिक, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं. तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज द पर्टिकुलर रिएजेंट जिसमें हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन होती है.
तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये ऐसा रीजेंट है, इनमें बेसिकली बहुत ही रेयरली ऐसे कोई रीजेंट होंगे जेई में एक्सेप्ट फॉर दिस वन। तो हमारे जेई लेवल पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है जिसमें अल्फा एलिमिनेशन होती है, और अल्फा एलिमिनेशन यहाँ से माइनस अगर HCl हो गया तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बना विच इज डाइक्लोरोकार्बिन। तो इट इज डाइक्लोरोकार्बिन, राइट? तो डाइक्लोरोकार्बिन, तो कार्बिन्स आर क्वाइट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एज सच, और यहाँ पर हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन बना एंड इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट? तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और जैसे सेम जो हमारे पास जो रीजेंट है एक आगे जाके कार्बिलमिन टेस्ट में भी आता है अमाइंस में, तो हमारे पास दोनों में सेम रीजेंट है और सेम रीजेंट विल प्रोड्यूस द दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट एज सच। तो अब जब ये रीजेंट जनरेट हो गया तो हमारे पास अब इसका रिएक्शन देखेंगे कैसे होगा। दिस इज फिनॉल, तो फिनॉल आगे जाके रिएक्ट किस तरीके से कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के साथ। सी बेंजीन है, बेंजीन फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज सच, और हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, ठीक है? तो वो इसके ऑर्थो या पैरा पे अटैक कर सकता है। ऑर्थो पे इसलिए बन रहा है बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, सैलिसाइलिहाइड बनेगा, ठीक है, विच इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज सच, ठीक है। अच्छा, जब भी हम फिनॉल के रिएक्शन करते हैं हम देख रहे हैं कि अगर बेसिक मीडियम है तो हमेशा फिनॉल जो है, ठीक है, वो फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में रहेगा बिकॉज ये जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो फिनॉक्साइड है, दिस बेस विल एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, तो फिनॉक्साइड है विच इज इवन मोर एक्टिवेटिंग एज कम्पेयर टू OH। अगर यहाँ पर फिनॉल और फिनॉक्साइड के रिएक्शन में देखें तो दोनों ही एक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि अगर हम कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं तो बेसिक मीडियम में फिनॉल विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और जो ये OH, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है जो O नेगेटिव है, इट इज इवन मोर एक्टिवेटिंग एज कम्पेयर टू OH, राइट? तो अब आगे यहां पर अब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो किस तरीके से होगा, तो आई विल जस्ट शो इट लाइक दिस। तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इट विल अटैक हियर, राइट? तो यहां पर Cl Cl, तो यहां पर there will be a negative charge। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो बीच में मैकेनिज्म के बीच में कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही हैं, वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज आल्सो, राइट? अब बीच में ये हमारे फर्स्ट स्टेप में इस तरीके का कुछ स्पीशीज बन रहा है, इसके बाद आगे प्रोसीड कैसे होगा रिएक्शन में पता है कि जब फर्स्ट हमारे पास एडिशन होती है, ठीक है, उसके बाद इट विल ट्राई टू गेन इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बैक। तो वो दो तरीके से होता है, या तो ये अच्छा यहाँ पर एक्चुअली एक और हाइड्रोजन भी होगा, राइट? हाइड्रोजन भी है, ठीक है? तो या तो ये हाइड्रोजन लूज करके इस तरीके से लिख सकते हो कि बॉन्ड वापस आया और ये वापस से फिनॉल बन गया, या हम ये बोल सकते हैं कि इट कैन टॉटोमराइज, तो इट कैन टॉटोमराइज एज वेल, ठीक है? तो अगर ये टॉटोमराइज करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट, तो यहां पर जो स्पीशीज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर OH आ गया, राइट? तो दिस इज व्हाट वी गेट, और उसके बाद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबलाइज है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं IMPT या फिर इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोन ट्रांसफर, विच इज लाइक इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस्ड रिएक्शन टाइप्स। So this is what we get. So this is how this is the product which is formed. Not product, but the intermediate species as such. तो इसके बाद आगे हमारे पास यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास OH negative है, हमने
दो बार अटैक किया इसका इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर, ठीक है, एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय ओएच। तो दो बार OH अगर आ गया, ठीक है, तो हमें पता है कि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो ये वाटर लूज कर देगा और इवेंचुअली हमारे पास ये बन जाएगा O नेगेटिव CHO। और बाद में हमने इसकी एसिडिफिकेशन कर दी, और एग्जाम में तो लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन कर ही देते हैं, OH CHO, एंड दिस इज योर सेलिसाइलडिहाइड, ठीक है। एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज एक और प्रोडक्ट बन सकता था जो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करवाता। तो आई होप दिस मैकेनिज्म इज क्लियर। तो देर आर अ फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो दिस रीजेंट वेरी इंपॉर्टेंट एज सच। और इससे इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो इंटरमीडिएट ध्यान देना है। और बीच में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा था, जस्ट गो थ्रू द मैकेनिज्म एंड जस्ट लुक एट ऑल द इंटरमीडिएट स्पीशीज विच हैव बीन फॉर्म्ड। सो आई होप दिस रिएक्शन इज कंपेयर राइमर टीमन रिएक्शन। अच्छा, फिनॉल का एक और रिएक्शन होता है विच इज ऑल्सो राइमर टीमन रिएक्शन। अगर सी एच सी एल की जगह सी सी एल फोर यूज करते हैं तो इट फॉर्म सेलिसिलिक एसिड, तो इट इज फॉर्म सेलिसिलिक एसिड। तो रिएक्शन वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट उसमें डाइक्लोरोकार्बिन नहीं बनता है। तो रिलेटिवली अगर हम दोनों में देखा जाए तो दिस रिएक्शन इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। एज सच, आफ्टर रायमंड-टीमन रिएक्शन वी गो टू दिस रिएक्शन विच वुड बी क्वाइट इंपॉर्टेंट एज सच, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शन आते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो पूछा जा ही सकता है। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हमें पता है कि जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन ओनली, बट उसमें हमारे पास जो विसिनल डायोल्स हैं दे आर गोइंग टू बी यूज, ठीक है, एंड बेसिकली ये पिनेकोल है, ठीक है। तो पिनेकोल, दिस इज योर पिनेकोल, और पिनेकोल बनता कैसे है अगर मैं ये देखूं कि हमारे पास इसमें हम मैग्नीशियम ईथर डालेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इट विल गिव राइज टू पिनेकोल। तो दिस इज अ पिनेकोल, कॉल्ड पिनेकोल। Now, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या हुआ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन जो कि हम पूरा मैकेनिज्म से ही करेंगे, एंड देर आर सर्टन थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ जब हम पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो मैं उसी को ही मैंशन करना चाह रहा हूँ। तो लेट अस गो थ्रू विद द मैकेनिज्म, और उसके बाद जो जो चीजें इसमें ध्यान रखनी है वो उस पर हम थोड़ा नोट करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें H पॉजिटिव डाल के हीट किया स्लाइटली, तो व्हाट हैपेंस, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो क्या हुआ होगा, इसकी प्रोटोनेशन हुई होगी, वन ऑफ द ओ एच विल गेट प्रोटोनेटेड। अभी के लिए दोनों सेम पोजिशंस हैं, तो दोनों में से किसी की भी प्रोटोनेशन हो जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स इट लूजेस, प्रोटोनेशन होके वॉटर लूज हुआ विच फॉर्म्स अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो एक कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब दिस इज योर स्टेप वन,
ठीक है, इसमें हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अच्छा, तो अब दूसरा स्टेप में क्या होगा? अब हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है, इट हैज अ टेंडेंसी टू रीअरेंज एंड फॉर्म एन इवन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अब इस कार्बोकेटाइन को इस कार्बन पे जाना है, बिकॉज दैट कार्बोकेटाइन कुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा एंड विच गिव्स एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन, वेरी हाई स्टेबलाइजेशन। तो ये स्टेप तो डेफिनेटली होने ही वाला है। अब उसमें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? अब रीअरेंज होने के लिए हमें पता है कि देयर विल बी माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेट कहां पर? यहां से, मतलब यहां पर हमारे पास दो CH3 लगे हुए हैं, तो दोनों में से, ठीक है, एक CH3 माइग्रेट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, माइग्रेशन। तो मिथाइड शिफ्ट हो गया यहां पर, राइट। तो दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा एंड एच पॉजिटिव लूज हो जाएगा, माइनस एच पॉजिटिव, एंड दिस इज फॉर्म्ड। एंड दिस इज योर पिनाकलोन। तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास ये जो स्टेप हुआ, ये वाला जो स्टेप है, दैट इज स्टेप टू। तो अगर इस पूरे मैकेनिज्म को देखा जाए तो इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप। फर्स्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एज सच अल्कोहल ग्रुप, विच लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन, एंड द सेकंड स्टेप इज द माइग्रेशन। तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी कंसिडर्ड? और ये हम इसी जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इसको ही कंसिडर करना है हमेशा, राइट, के ऑलवेज बी श्योर points to be remembered यहाँ पर, कि हमारे पास first step में stability of carbocation in step one। तो पहले step में carbocation की stability का ख्याल रखना है कि हमारे पास दो options होती हैं। वहाँ ऊपर वाले example में तो same था, but हमारे पास अगर इस तरीके का कोई question आता है तो हमें पहले स्टेप में जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसको बनाना है हमेशा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज इन दिस केस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन स्टेप वन। अच्छा, दूसरे जो स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम देखो उसके बाद जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है इज कंप्लीटली गवर्न्ड बाय OH, ऑक्सीजन गवर्न कर रहा है, तो साथ वाला ग्रुप है उतना कंट्रीब्यूट उसकी स्टेबिलिटी पे करता नहीं है। सो द नेक्स्ट स्टेप बिकम्स एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटली माइग्रेशन ऑर्डर वो डेफिनेटली फॉलो करता है, ठीक है। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन का ऑर्डर, ठीक है। और माइग्रेशन का ऑर्डर हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाइड्राइड शिफ्ट सबसे, ठीक है, फेवर्ड है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, फिनाइड है, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मिथाइल शिफ्ट। तो इसको डेफिनेटली फॉलो करना है इन स्टेप टू। तो दिस इज व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ जब भी हम ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट करते हैं। मतलब नॉर्मल जब हमारे पास इस तरीके का रिएक्शन, नॉर्मल डिहाइड्रेशन में ऑफ कोर्स सेकंड स्टेप में भी हमारे पास जब भी रीअरेंजमेंट करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज सच। बट इस कंडीशन में हमें पता है कि अगर इनमें से कोई भी ग्रुप लगा होगा तो इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा, बिकॉज इनके मुकाबले जो ज्यादा जो स्टेबलाइजेशन हो रही है वो पूरा का पूरा OH से हो रही है। तो इट हैज टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर डेफिनेटली, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, राइट, कि लेट से हमने यहां पर फिनाइल ओके, तो दिस इज लेट्स से पिनाकोल एक ले लिया, तो इसमें अगर हम H पॉजिटिव स्लाइटली हीट कर देंगे तो हम इसमें क्या व्हाट इज टू बी फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्टली कार्बो इसकी प्रोटोनेशन करके इसमें वाटर रिमूव कर रहा हूँ, तो आई जस्ट फॉर्म द कार्बोकेटाइन इन द फर्स्ट स्टेप। तो
तो ये बना होगा, मतलब एक डिहाइड्रेशन यहाँ में से, यहाँ पर दोनों में से कोई भी बन सकता है. तो दिस इज बेसिकली योर स्टेप वन, विच इज योर डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ एल्कोहल एज सच. तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बना. अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके बाद जो अब जो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आने के लिए मिथाइड और फिनाइड में से, ठीक है, हम शिफ्ट को देखेंगे कि विच हैज अ रिलेटिव टेंडेंसी, ठीक है, रिलेटिव टेंडेंसी टू शिफ्ट. तो द शिफ्ट जो होगा वो फिनाइड का होगा. मतलब ये हमारे पास ये इसलिए डाउटफुल होता है बिकॉज हमें लगता है कि अच्छा क्या अगर हम फॉर एग्जांपल CH3 को यहाँ पर शिफ्ट करवा देते तो यहाँ पर एक फिनाइल रिंग रहती है जो इसको स्टेबलाइज करती. बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है जो कि माइनर होगा. लेकिन अगर हम यही पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है. इसमें जो पूरी स्टेबलाइजेशन होती है वो इसकी हुई होती है, इससे इसकी वजह से हुई होती है, OH की वजह से. तो सेकेंड स्टेप में हमें प्योरली इस ऑर्डर को यूज करना है, ठीक है. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें फिनाइट शिफ्ट हो रहा होगा. सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू एम्फसाइज कि व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन ऑन पिनेकोल पिनेकुलर रियलमेंट, जस्ट रिमेंबर हमें इन दो स्टेप्स को फॉलो करना है. पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है और जो दूसरा स्टेप होता है उसमें यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द माइग्रेशन टेंडेंसी, माइग्रेशन एप्टीट्यूड. ओके, नेक्स्ट आई जस्ट एडेड अ प्रॉब्लम ओनली बिकॉज उसके बाद वी हैव सो मेनी रीजेंट्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो ऑक्सीडेशन हम जब हम एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल्स की बात करें तो दो स्टेप में होती है. फर्स्ट इट विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड एंड देन इट विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच. अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल्स की बात करते हैं तो 2 डिग्रीज एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन एज सच, और अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री आर बेसिकली रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन. तो वी हैव डन क्वाइट नंबर ऑफ रिएजेंट्स जो के ऑक्सीडेशन करवाते हैं. सम ऑफ देम आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सम ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कुछ जो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो डबल बॉन्ड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं. तो वी हैव टू बेसिकली रिवाइज ऑल ऑफ देम. तो आई हैव जस्ट टेकन अ प्रॉब्लम ऑन देयर एंड जस्ट लिस्टेड अ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें पता होने चाहिए एंड विद दिस प्रॉब्लम टू डील विद. तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ basically oxidation of alcohols. Oxidation of alcohol. तो अगर हम फर्स्ट रीजेंट की बात करें KMnO4 H पॉजिटिव के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो इट विल कन्वर्टेड टू द एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कैन ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल. तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग, तो वो उनको भी ब्रेक कर देगा, राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कि हमारे पास किस डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है. तो वो हम देख लेते हैं. ओके, अच्छा यहाँ पर बेसिकली दिस इज OH, तो लेट अस राइट, बिकॉज यहाँ पर दिस इज OH एक्चुअली, राइट. तो दिस इज योर 3 डिग्री एल्कोहल और दिस इज योर 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है. तो दीज आर ऑल द डिग्रीज ऑफ अल्कोहल विच हैविंग. अच्छा, ये जो 2 डिग्री भी है और ये अलाइलिक पोजीशन भी है एंड दिस इज अलाइलिक पोजीशन, ठीक है. तो विल से किसका यूज कहाँ पर हो रहा है, ठीक है. तो अगर हम ए की बात करें तो ए मतलब 3 डिग्री को इट विल 3 डिग्री इज रेजिस्टेंस, तो 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, चाहिए अंडरलाइन है स्ट्रॉन्ग एटीन लिखा हो, ठीक है. तो इट विल नॉट जनरल इन नॉर्मल कंडीशन इट विल नॉट सॉरी ऑक्सीडाइज द 3 डिग्री एल्कोहल्स. उसके बाद 2 डिग्री विल बी ऑक्सीडाइज टू
जैसे 3 डिग्री नहीं हुआ, 3 डिग्री बिल्कुल वैसे ही रह गया, ठीक है। दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटो, डबल बॉन्ड हो आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो ये स्ट्रॉन्ग, इट कैन ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड ऑल्सो, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है यहाँ पे, तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, तो वी नो हाउ टू ऑक्सीडाइज अल्कीन्स एज सच। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा, तो ये आ गया, मतलब यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर OCOH आ जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। अब आगे इसको करते हैं, अगेन 2 डिग्री तो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग इट विद KMnO4 एंड H पॉजिटिव। अब B देख लेते हैं, तो B इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। We talk about Jones reagent. Jones reagent, हमारे पास जो होता है, तो क्रोमिक एसिड की फॉर्म H2CrO4 लिया हो सकता है, या फिर CrO3 in aqueous acetone in the presence of H2SO4 ये दिया हो सकता है, तो this is your Jones reagent. तो it is your strong oxidizing agent, but it cannot oxidize, can't oxidize double bonds. मतलब strong oxidizing basically जो कि double bond को affect ना करे, तो बाकी सब कुछ same रहेगा KMnO4 की तरह, बस ये oxidize, ये double bond और triple bond को oxidize नहीं करेगा। तो अगेन ये 2 डिग्री है, ठीक है, तो कीटोन्स पे 3 डिग्री विल बी अनअफेक्टेड, राइट। और तो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म, तो दिस इज योर प्रोडक्ट एज सच। तो जोन्स रीजन के साथ 2 डिग्री डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ, 2 डिग्री यहाँ, और 1 डिग्री इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीसीसी। अच्छा, पीसीसी इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या काम करता है, जो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल्स को RCHO में कन्वर्ट कर देता है, और 2 डिग्रीज को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल्स को कीटोन में कन्वर्ट करता है, तो इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज सच, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, 3 डिग्री अगेन विल बी अनअफेक्टेड, 2 डिग्री है, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन एज सच, डबल बॉन्ड इज अनअफेक्टेड, एंड देन 2 डिग्री डबल बॉन्ड, एंड दिस इज योर CHO, तो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय पीसीसी। जनरली पीसीसी 1 डिग्री को लाइक एल्डिहाइड तक रोकने के लिए यूज होता है, right? And if we talk about MnO2, MnO2 is a very specific reagent जो के सिर्फ allylic position पे अगर OH लगा हो, then it is oxidized to RCHO or ketones. Allylic position पे अगर OH हो, तो it will be oxidized to RCHO और ketones. तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही allylic position पे OH लगा हुआ है, तो this जो हमारे पास ये वाला OH है, ठीक है, तो this is allylic position, तो this will be oxidized, तो MnO2. तो again 3 degree is unaffected, this is the allylic one, and बाकी सब कुछ अनअफेक्टेड है, सिर्फ allylic पोजीशन पे अगर OH होगा, देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स ऑल, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर विद इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर को अगर हम रिएक्ट करेंगे, तो 1 डिग्री को ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स में, 2 डिग्री को कीटोन्स में, एंड 3 डिग्री एल्कोहल विल अंडरगो वेपर फेज डिहाइड्रेशन, तो उससे अल्कीन्स बनेंगे।
तो दिस इज द रीजेंट विच इज गोइंग टू रिएक्ट इवन विद द 3 डिग्री, तो वो इससे भी रिएक्ट करेगा, राइट? ओके, तो अगर हम 3 डिग्री जो हम कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की बात करें, तो दिस 2 डिग्री विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, और दिस अगेन इज डबल बॉन्ड ओ, और दिस विल बी CHO, और जो यहां पर OH था, ठीक है, OH, तो अगर हम देखेंगे कि OH यहाँ पर है और H यहाँ पर है, तो ये अल्फा, ये बीटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो बीटा डिहाइड्रेशन से ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और हमें स्टेट्ज़ेफ एल्कीन बनेगी, वेपर फेज डिहाइड्रेशन हो रही है यहाँ पर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ये रहेगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा, अब अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो आ गया, बट कैन वी से कि वी कैन राइट अ बेटर वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज अगर हम ये देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये टॉटोमराइज करके ये भी बना सकता है। एरोमेटिक हो जाएगा, ये है जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, तो इस द कीटो फॉर्म, देन दिस इज द फॉर्म वेयर द कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, सॉरी इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, दिस इज द प्रोडक्ट। सो आइडिया ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि वी शुड बी कंफर्टेबल विद ऑल द रिएजेंट्स जो के यूज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन में, एंड वी शुड बी नो द रोल ऑफ ईच एंड एवरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एज सच। ओके, अगेन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एज सच, विच इज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, और यहाँ पर जो जी है वो एच हो सकता है, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोक्सिलमाइन, दिस इज हाइड्राजिन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजिन, एंड दिस इज योर ब्रैडीज रिएजेंट, दिस इज 2,4-DNP, राइट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजिन, राइट, तो इस, तो दिस इज, एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज फॉर यूज एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अगर हम ब्रैडीज रिएजेंट यूज करेंगे तो इट विल फॉर्म एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन सबका एक जैसे होता है, तो मैंने एक जनरल आइडिया लिख दिया है कि रिएक्शन किस तरीके से होगा, और हम इसका एक बार मैकेनिज्म भी देख लेंगे, एंड लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो इट इज सिंक प्लस एंटी बन जाए, मतलब इट विल, इट इज, अगर यहाँ पर R1 और R2 है, लेट्स से यहाँ पर R1 और R2 है, तो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एबल टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक सिन होगा एक एंटी होगा, तो वो बन सकता है, ठीक है। आइडिया ये है कि यहाँ से हमें वाटर निकालना है, ठीक है, 2H2 है यहाँ पर, और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा, एंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज के ये जो रिएक्शन है वो एसिडिफाइड मीडियम में होता है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, वी एड सम अमाउंट ऑफ एसिड टू इट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ऑप्टिमम pH होती है वो 4-5 के बीच में रहती है, मतलब द कंडीशंस आर वीकली एसिडिक, ठीक है, बिकॉज बेसिक मीडियम में हम नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम कोई बेस लेंगे, मतलब हमें पता है कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी होते हैं, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बेस कैटलाइज में अगर हम OH नेगेटिव ज्यादा रखेंगे तो विच माइट बी इन कॉम्पिटिशन विद दिस, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है, तो हम वो नहीं चाहते हैं, उस इस रिएक्शन को हमें फेवर करवाने के लिए वी एड सम अमाउंट ऑफ एसिड टू इट, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट होके इट कैन इंक्रीज द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन।
कार्बन, ठीक है। तो ये हम थोड़े से जो हम बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एज सच, ठीक है। वीकली एसिडिक, अच्छा स्ट्रॉन्गली एसिडिक कभी भी नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्गली एसिड अगर ज्यादा एसिड यूज कर लेंगे तो मतलब बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अमोनिया है, वो भी प्रोटोनेट हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। तो एक चीज ये याद रखने वाले कि यहाँ पर जो ऑप्टिमम पीएच है वो 4 to 5 के बीच में रहती है एंड इट द कंडीशंस आर वीकली एसिडिक। एक बार अब इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं क्या होगा। अगेन मैंने ये बोला कि फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन। सबसे पहले स्टेप में ये प्रोटोनेशन होती है, तो दिस गेट्स प्रोटोनेटेड। अब प्रोटोनेट होने का मतलब ये है कि अब दिस कार्बन गेट्स अक्वायर्स मोर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये अब जो न्यूक्लियोफाइल जो भी है, ठीक है, इट कैन अटैक इवन इजीली ऑन दैट, मोर इजीली, ठीक है ना। बिकॉज और ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज ये इसकी रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर बनाए, तो मतलब इसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा आ गया होगा। इट इज इवन मोर इलेक्ट्रोफिलिक नाउ, दिस कार्बन बिकम्स इवन मोर इलेक्ट्रोफिलिक नाउ, सो देयर इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इवन फास्टर, राइट, ओके। तो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बट हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको यूज करें, तो इसी को यूज करते हैं। दिस इज मोर स्टेबल, आई होप एवरीबडी नोज इट, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि अच्छा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, राइट, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एज सच। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो यहाँ पर हो रहा होगा, that is a basic simple nucleophilic addition reaction, that is actually nucleophilic addition, right? Right. तो ये बन गया। अब देखो ये रिएक्शन ऐसा है कि ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये इसमें से एक चीज लीव नहीं कर जाती है, एंड हैज टू, बिकॉज अगर ऑक्सीजन ये दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा तो यही वापस चला जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, वाटर को एलिमिनेट करना रहेगा, और वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एज सच, ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रोटोन एज सच, तो जिससे ये OH अभी तो ये एक लेट्स से एक वीक लिविंग ग्रुप है, पोअर लिविंग ग्रुप है, बट जब ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, विच अगेन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, अगर हो जाएगा यहां पर, तो हमारे पास कुछ ये बन गया। ये बन गया, नाउ इट बिकम्स इजी टू मूव, बिकॉज अगर ये वाटर मूव करा तभी ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना, तो माइनस वाटर हो गया, राइट, और ये स्टेप साइमल्टेनियसली होगा, बिकॉज नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, और बिकॉज कार्बोकैटायन जैसे ही बना होगा तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर भी कार्बन के साथ शेयर कर लिए होंगे, तो बेसिकली दिस रिएक्शन दिस स्टेप अगर साइमल्टेनियसली कि नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आए और ये वाटर रिमूव हो गया, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप में This is the most acidic hydrogen which will be extracted. और हमारा जो product है वो ये आ गया। तो this is your, यहाँ पर हमारे पास simplest NT form बन सकते हैं, ठीक है, हमारे पास there is a possibility of forming a simpler NT product. तो as such I hope this reaction is okay. इज क्लियर टू अस, एंड इम्पॉर्टेंट हमारे पास है जो ब्रैडिस रेजेंट है वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर जी कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना है रिएक्शन को, बिकॉज एज सच ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है और हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखना आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और आगे एक फर्दर स्टेप हो सकता है, अगर इसमें एच पॉजिटिव डाल दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओ एच हमारे पास हाइड्रोक्सिलमाइन होता, ओ एच होता, तो हाइड्रोक्सिलमाइन में अगर हम एच पॉजिटिव आगे डाल दें तो देर समथिंग कॉल्ड बैकमेन्स रीजन, तो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। So probably this would be the most important reaction जब हम aldehydes ketones की बात करेंगे, ठीक है, that is called aldol condensation, तो we already know that. तो और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी interesting हो जाती हैं, because जब हम aldehydes ketones की बात करते हैं तो उसमें जो alpha hydrogen होता है वो acidic होता है, and it forms enolate, enol which is an equilibrium with its own enol and the keto form which exists in dynamic equilibrium. तो कुछ reactions हैं जो alpha hydrogen के base पे होती हैं, because the acidic nature of the alpha hydrogen. तो This is one of those reactions, ठीक है, तो हमारे पास देखो एक बेस होगा और आगे हम देखेंगे कि सेम रीजन के साथ बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ दोज रिएक्शन, ठीक है, तो विल जस्ट एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम ओ एच नेगेटिव डाइल्यूट ओ एच नेगेटिव देते हैं, ठीक है, तो हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, राइट, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हुआ तो इट विल एक्सट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल एक्सट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन, राइट, तो बेस में, एंड विच इज बेसिकली इन इक्विलिब्रियम, आगे बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, राइट, और हमारे पास दिस ये जो हमारे पास ये जो बना है, ये जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड इनोलेटाइन, मतलब दोनों में से अगर हम वन और टू में देखें, ये हमारा लेट्स से वन है, ये हमारा टू है, तो दोनों में से विच इज मोर स्टेबल, ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्टेबल, राइट, यहाँ पर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जस्ट राइट इट अगेन ओवर हियर, राइट, तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द इनोलेटाइन, ठीक है, एंड नाउ इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, ठीक है, तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया है वो ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस में होता है, तो ऑब्वियसली दिस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल जो कि इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, और वो अटैक कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि यू कुड हैव चोजन दिस ऑल्सो, जो हमारे लिए ज्यादा आसान रहता दिखाने के लिए, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर है उसको चूज करना चाहिए, बिकॉज अभी भी ये जो कार्बन है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, बिकॉज ऑक्सीजन का पहला अटेम्प्ट तो ये बॉन्ड बनाना होगा और उसके बाद ये शिफ्ट होगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एंड देन इट कैन अटैक फ्रॉम हियर, तो दिस इज द बेटर वे टू शो इट, रादर देन के ये जो मैंने इस कार्बन पे सीधा इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिखा के मैं सीधा इसको अटैक करवाता, बट एनी दोनों करेक्ट है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपन, तो इट इज अ बेसिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये जो हमारे पास हुआ इस स्टेप में पर्टिकुलरली, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो गया, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो कैसे बना, तो दिस इज व्हाट इज फॉर्म, एंड उसके बाद इसकी अगर हम एसिडिफिकेशन करें, ठीक है, वाटर तो है ही, अगर वाटर इससे इस तरीके से अगर हम नहीं लिखना चाहते तो बेसिकली वाटर से एच पॉजिटिव ले लेगा, तो ये बेटर तरीका होगा लिखने का, एंड दिस इज योर एल्डो, दिस इज कॉल्ड एल्डो, तो दिस तुम्हारे पास हमने स्टार्टिंग हमने एसिटोन लिया था और बेसिकली ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है दिस इज फॉर ऑल द एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो बेसिकली इट विल गो फॉर एल्डो, अगर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के पास हमारे
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इट विल अंडरगो, इट विल बेसिकली गो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, राइट? ओके, दिस इज कॉल्ड एल्डोल. अब कई बार होता है ना कि रिएक्शन यहीं पर हम नहीं रोकते हैं, इसको अगर हम हीट करें तो व्हाट हैपेंस? लेट्स से इट इज हीटेड, और जब हीट करेंगे तो हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी, मतलब हमारे पास यहाँ पर OH प्रेजेंट है, मतलब और बीटा पोजिशन, बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पे एक बीटा, ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और वाटर लूज हो जाएगा, तो हमारे पास डबल बॉन्ड आया है यहाँ पर और CH3. तो दिस इज वॉट इज फॉर्म. तो हमारे पास और ये इसलिए फेवर हो रहा है बिकॉज अगर आप देखोगे कि ये जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना वो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बना, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट एज सच, तो दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस. अच्छा, एक और चीज है जो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुई, दिस इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने ऑलरेडी करी हुई है. अच्छा, एसिडिक मीडियम में हमने करी हुई है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, प्रॉब्ली दैट इज एन मोर ऑफन एन इट इज एन ईवन मैकेनिज्म, इट फॉलोज ईवन मैकेनिज्म. बट जब हम बेस, दिस इज नॉट दैट, दिस डजंट फॉलो द सेम मैकेनिज्म एज सच, दिस इज अ डिहाइड्रेशन इन बेसिक मीडियम. और बेसिक मीडियम में कोई एच पॉजिटिव तो है नहीं है कि इसको प्रोटोनेट करके हटा दें, तो और बेसिक मीडियम में ऐसा है कि इसको OH को निकालना है तो, एंड OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो वी नो विच मैकेनिज्म इट फॉलोज, है ना? तो इट फॉलोज E1CB मैकेनिज्म, तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि हमने देखा था कि जो पुअर लिविंग ग्रुप्स के साथ होता है, जैसे फ्लोरीन के केस में भी हमने करा है, एल्काइलाइड में फ्लोरीन की जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है ना, नॉट सॉरी फ्लोरीन की बीटा हाइड्रोहैलोजनेशन करवाते, सॉरी सही, तो E1CB टाइप्स. तो तो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल विद द मैकेनिज्म फॉर E1CB जो आपने एल्काइलाइड्स में करा होगा. तो आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास पहले एल्डोल बना, उसके बाद जो डिहाइड्रेशन हुई दैट इज दैट फॉलोज E1CB एंड विच फॉर्म्स अ प्रोडक्ट विच इज कॉन्जुगेटेड एज सच. तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट जनरली यही पूछा जाता है. और बिकॉज ये रिएक्शन इतना कॉमन है, राइट, तो अगर इसका, अगर हमें डायरेक्टली मुझे प्रोडक्ट लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, मतलब मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके एसीटोन के आपस में, तो कंडेंसेशन रिएक्शन है एक, ठीक है? तो इसमें क्या रहेगा, तो एक तो मतलब मुझे पता है, तो मैं ये थोड़ा सा आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करना है. तो हमें पता है कि इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ, मतलब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ, ठीक है? तो इसको मैं क्या करता हूं, जो अल्फा है, ठीक है ना, एक जो अल्फा है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम इस अल्फा कार्बन में से दो हाइड्रोजन इसके निकालेंगे और एक ऑक्सीजन निकालेगा, है ना? तो मतलब बेसिकली अगर मुझे ये प्रोडक्ट, इसको लिखना पड़ेगा, वाटर जो रिमूव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो ये सी एच है, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, यहां से मैं दो हाइड्रोजन ले लूंगा और ये कार्बन ले लूंगा, कार्बन के साथ वाला ऑक्सीजन ले लूंगा, ठीक है? तो और इन दोनों को आगे मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो अगर मैं यहां से डायरेक्टली वाटर निकालू तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा. तो दिस इज जस्ट अनदर मेथड कि अगर आपको डायरेक्टली एल्डोल का प्रोडक्ट लिखना है जो कि हीट करने में बनता है, जिसमें से वाटर रिमूव होता है, तो हमेशा इस तरीके से रहेगा, राइट? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, मतलब बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है, तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, तो हम कौन सा एल्डोल बनाएंगे, तो बेसिकली हमें दोनों ही एल्डोल बनाने होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो पहला जो है, अगर मैं इस हाइड्रोजन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं
इस अल्फा हाइड्रोजन को लूं, तो मुझे पता है कि यहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे और मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3। तो एक प्रोडक्ट तो यहां से बनेगा जब मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जब मैं इस हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो विच विल बी समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O राइट सी एच टू सी एच थ्री ये थ्री, तो मुझे इस अल्फा हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट करवाना है ना। तो अब दूसरा तो ये वाटर निकल जाएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, तो मेरे दोनों ही एल्डोल्स हैं। और हमें अगर एग्जाम में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो जनरली हम दोनों ही लिखते हैं, लेकिन अगर मैं इस एल्डोल की बात करूं तो जिसमें हमारे पास दिस इज मोर एसिडिक है ना, बिकॉज यहाँ पर जो एनाइन है, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक बिकॉज यहाँ पर जो एनाइन है वो 1 डिग्री बन रहा है, ज्यादा स्टेबल है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है जो लेस, दूसरा वाला है दिस हाइड्रोजन इज लेस एसिडिक, बट यहाँ पर अगर मैं ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को चूज करता हूँ, दिस प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइंड एज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो प्रोडक्ट तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो दिस इज मोर स्टेबल जो मैं भेज दे रहा हूँ, तो विच इज बेसिकली टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है भाई, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज अगर हमारे पास अल्कीन बन रही है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है हाइपोकंजुगेशन से, तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। बट मतलब जो कनेटिकली कंट्रोल्ड है उसमें ज्यादा स्टेबल इनोलेटाइन बना, बट इवेंचुअली द प्रोडक्ट इज नॉट दैट स्टेबल, तो दैट विल बी टर्म्ड एज कनेटिकली कंट्रोल्ड इनोल या कनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एज सच। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखना है। और देन यू हैव प्रॉब्लम्स फॉर लेट्स से अगर हमारे पास एक से ज्यादा इस तरीके के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसमें हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन भी होती है एंड क्रॉस कंडेंसेशन भी होती है, तो ऑल द प्रोडक्ट्स हैव टू राइट। बट अगर मुझे एक तो अगर मुझे अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवानी हो, अगर मुझे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवानी हो, तो व्हाट जनरली आई विल चूज वन ऑफ द कंपाउंड्स, वन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच नो जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा मैं करवाऊंगा जिसमें ज्यादा हो, उसमें जिसमें प्रॉब्ली हो अल्फा हाइड्रोजन, इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, तो अब यहां पर एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड क्लेजन श्मिट। कंडेंसेशन हीट किया, हीट करने से हमें पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड इसमें ऐड हो रहा है, तो ओके तुम्हारे पास ये कुछ बना, दिस इज द प्रोडक्ट वी गेट राइट। तो जनरली क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना है विच इज कॉल्ड क्लेजन स्मिट। और क्लेजन स्मिट जनरली क्या होता है, जिसमें हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, जनरली हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड रहता है, बिकॉज ऐसा कि फॉर्मेल्डिहाइड
में जो एडिशन है वो ज्यादा प्रेफर्ड है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड, तो दैट्स व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी यूज्ड। एंड अनदर इज, इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो दैट विल बी योर बेंजेलिहाइड। तो बेंजेलिहाइड को देखते हैं हम लोग। और एसीटोन, ठीक है, तो बेंजेलिहाइड और एसीटोन में भी, ठीक है, हमारे पास इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। ठीक है, उसमें से भी लेट से यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड सी एच ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज अगर आप देखोगे ये प्रोडक्ट की तो एक बहुत एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है, काफी अच्छे से कंजुगेशन हो रही है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो लाइक प्रोडक्ट प्रोडक्ट फेवरिंग। जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है दैट विल डिफाइन द प्रोडक्ट की यील्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दीज टू रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट जनरली जब हम क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन करते हैं, तो वन ऑफ द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इज प्रेफरेबली फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और जो दूसरा एल्डिहाइड और या कीटोन होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल ऑल्सो। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन ऑल्सो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड बिकॉज वी नो द ऑब्वियस रीजन, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड प्रेफरेबली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस ऑन एल्डिहाइड बिकॉज वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिकॉज दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्टेप रेट डिफाइनिंग जो स्टेप होता है दैट इज द अटैक इज दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन द सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल। तो ऑफकोर्स एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, तो हमेशा वो ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज की बात करूं, वन टू थ्री फोर, तो दिस इज द कंपाउंड। तो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से थे, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये अल्फा हाइड्रोजन था, ये अल्फा हाइड्रोजन था। तो पहले तो हमारे पास फाइव या सिक्स मेंबर रिंग बननी चाहिए, ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन मेंबर रिंग तो नहीं बनेगी, तो ठीक है, तो यहां से तो नहीं होगा। तो देखो दिस इज मोस्ट एसिडिक, लेकिन तो लाइक मतलब बेसिकली ऐसा हो सकता है कि हमें कीटोन्स पे एडिशन नहीं करवाना बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत स्लो होती है। तो व्हाट विल हैपन इज, तो हमारे पास या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा, ठीक है। अब बिकॉज एडिशन टेक्स प्लेस ऑन एल्डिहाइड ग्रुप और दिस इज नॉट प्रेफर्ड, दिस यहाँ से नहीं हो जाएगी क्योंकि बिकॉज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेंबर रिंग तो बनती नहीं है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो अगेन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से दो हाइड्रोजन गए और यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, तो इनको और इसको मिलाना है, तो बेसिकली मैं इसको नंबर कर देता हूँ, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमारे पास एक फाइव मेंबर रिंग बनेगी, वन टू थ्री फोर फाइव, और वन पे मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ सी ओ सी एस थ्री है, और वन और फाइव के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, बिकॉज इन दोनों को हम वन और फाइव को हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस एक बार हमने मैकेनिज्म देख लिया, मैकेनिज्म देखने के बाद हमने उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो भी जान लिया, ठीक है, और अब इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डायरेक्टली एज सच, ठीक है। तो सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ये सभी क्लियर होने चाहिए सच।
अब इससे ही मिलता जुलता जो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हम एल्डोल के लिए जाते हैं, और लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो इट विल गो फॉर कैनिजारो, ठीक है? और कैनिजारो किसके लिए है? फॉर कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। कंपाउंड डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो इसमें लेट्स से और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडाइज, वन ऑफ देम इज रिड्यूस्ड। तो अगर इसी इस पर्टिकुलर इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन है, दैट्स राइट, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडाइज, वन ऑफ देम इज रिड्यूस्ड। इसके लिए ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो गया वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो HCHO गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है? तो इसमें कंसेंट्रेटेड यूज करते हैं, कंसेंट्रेटेड OH नेगेटिव यूज हो रही है, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इसमें एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास स्टेप वन, राइट? तो हमारे पास OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव देखो बेस की तरह तो पहले एक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट डजंट हैव एन एसिडिक हाइड्रोजन एज सच, बट इट इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। तो इट विल कीप ऑन अटैकिंग दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन देखो ये क्या करता रहेगा, ये वापस आता रहेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता रहेगा, और हमें एच और ओ एच में से ऑब्वियसली जो ज्यादा लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप है उसको निकालता रहेगा, और हमें पता है कि ओ एच नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है, तो वही जाता रहेगा जब तक अगला स्टेप ना हो। मतलब हम ये मान सकते हैं कि नाउ स्टेप टू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये बना था हमारे, है ना? मतलब ये ऐसा होगा कि OH नेगेटिव, ये जो स्टेप वन है वन बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अपने वापस से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और इन तीनों में से किसी ना किसी ग्रुप को तो बाहर करेगा, और जनरली टेंडेंसी OH की बाहर जाने की होती है ऑफकोर्स। मतलब अगर लेकिन OH ही निकल गया तो हमारे पास आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो गया, ठीक है, कि बॉन्ड आया कि इन हाइड्रोजन्स की बजाय, ठीक है, सॉरी सॉरी OH की बजाय ये हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्राइड को निकाल दिया इसने, तो दैट हाइड्राइड को निकाला और वो इसमें इसमें जाके ऐड हो गया। H नेगेटिव को निकाला तो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है ना? हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एक एसिड बन गया, मतलब दिस द फर्स्ट ये जो है बेसिकली इट लूजेज एच, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और द सेकेंड जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसने एच को गेन किया, ठीक है ना? तो ये बन गया हमारे पास, और दिस इज योर RDS, ये जो सेकेंड स्टेप है, बिकॉज वेरी वेरी स्लो स्टेप सबसे, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईजी स्टेप टू अकर। तो दैट इज वाई अगर मैं बोलूँ कि एल्डोल और कैनिजारो में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो एल्डोल इज अ फास्टर रिएक्शन, इन दिस कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिफिकल्ट, इज अ स्लोअर प्रोसेस एज सच, और इसीलिए हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड OH यूज करा है टू रिलेटिवली यू नो मेक द स्टेप मेक द रिएक्शन लिटिल बिट फेवरेबल। तो ये हुआ, और दिस इज नॉट द फाइनल रिएक्शन, बिकॉज अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में एसिड और बेस बन चुका है, तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो ये चीज, राइट? तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बने, ठीक है? तो वन वन ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज, वन ऑफ द मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड। तो ये हमें बताना चाहिए, तो रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे पास ऐसा आ जाता है कि लेट से मैं एक क्रॉस
तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट। तो हमें हमारे पता है कि अगर एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल होता तो सेल्फ कैनिजारो हो जाता। तो मैंने यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मैंने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे लिए, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल गेट ऑक्सीडाइज, वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट रिड्यूस्ड एज सच। तो ये ध्यान रखना है जो मोर रिएक्टिव है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज, तो दिस इज मोर रिएक्टिव because NO2 का minus M effect है, तो जिस पे OH negative, तो जिस पे delta positive charge ज़्यादा होगा, तो OH negative का आता है, यहाँ पर ज़्यादा possible है, तो मतलब इसकी oxidation ज़्यादा possible है, इसकी oxidation ज़्यादा feasible है, ठीक है? तो this हमारे पास जो product होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, तो O negative and this is NO2, so the more reactive will get oxidized. अगर हम एसिडिफाई करेंगे तो एसिड बन जाएगा, लेकिन अभी एसिडिफाइड नहीं हो पाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर OH नेगेटिव है, तो दिस इज CH2OH OCH3, ठीक है? तो मोर रिएक्टिव गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, द अदर वन गेट्स रिड्यूस्ड। So these are certain things which are to be taken care of. So I hope हमें aldol और canizaro का reaction हमें पता लग गया। As such दोनों का अगर हम rate law लिखें तो rate दोनों के लिए similar है। Both are third order reactions. Third order reaction, right? तुम्हारे पास जो let's say aldol hai, that is a bit faster as such as compared to canizaro. Canizaro is a bit slow. And then let's talk about haloform reaction. अब हम एल्डोल कैनिजारो कर चुके होते हैं, एक बार और देखते हैं कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स है और ये बेस भी प्रेजेंट है ना, बेस प्रेजेंट, तो OH नेगेटिव बार बार आ रहा है, लेकिन इसके साथ हमने एक X2 डाल दिया है ना, तो दिस रिएक्शन माइट बी डिस्कस्ड इन योर एल्काइलाइड्स एज वेल। सो बट रिएक्शन का बेसिक वही है कि हमारे पास OH नेगेटिव में इनोलेट आयन बनेगा, राइट? तो मतलब हमारे पास जब मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा सब्स्टिट्यूशन। ये मतलब कैसे हो रहा होगा, मतलब हमारे पास लेट से ये बना, दिस इज अ इनोलेटाइन, मैंने थोड़ा आसान इनोलेटाइन बना लिया है, बेस एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद इट कैन अंडरगो अल्फा सब्स्टिट्यूशन like this, right? इस तरीके से, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, और ये जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूशन के पे, मतलब हम एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम एसिडिक मीडियम में अल्फा सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो हम सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करवा सकते हैं, बिकॉज आगे जो प्रोसेस है वो इट बिकम्स रिलेटिवली स्लोअर, जबकि वही चीज ऑपोजिट हो जाती है अगर हम बेस यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमने एक हैलोजन लगा दिया, नाउ दिस हाइड्रोजन बिकम्स इवन मोर एसिडिक, है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन इट बिकम्स इवन फास्ट। तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन का रेट और फास्ट हो गया, मतलब जितने भी यहां पर हाइड्रोजन से, मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं, वो तीनों ही सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब दिस गोस समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसके बाद इवेंचुअली हमारे पास तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, और ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरे का रेट है वो पहले से बढ़ गया, और जो इनफैक्ट ये वाला हाइड्रोजन है, ये जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बचा अल्फा हाइड्रोजन, ये और ज्यादा एसिडिक हो गया, और इट विल इसमें अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा हाइलोजनेशन और आसानी से हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है? तो जनरली हमारे पास ये हो गया CH3, ये हो गया, ठीक है? अब अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मतलब why specifically CH3 की बात करते हैं, कि ये CH3 होना जरूरी है हेलोफॉर्म के लिए, जब हम बात करते हैं तो हेलोफॉर्म में हमारे पास ये हम बोलते हैं कि मिथाइल कीटोन्स के लिए यूज होता है, तो ये CH3 होना जरूरी है इस पोजिशन पे, ऐसा क्यों? बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप इज अल्फा हेलोजनेशन, जिसमें ये तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और X आ गया, है ना? अब हमारे पास
अभी यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास जो OH नेगेटिव है, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। और हमारे पास ऐसा हो सकता है ना, हमें पता है कि यहाँ पर दिस इज अ सी डबल बॉन्ड, जब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई तो हमें पता है कि ओ नेगेटिव वापस से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक ग्रुप को एमिट, ठीक है, यहाँ से हटा देगा, ठीक है, यहाँ से लीव करवा देगा। एंड सी एक्स थ्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमें पता है कि जो सी एक्स थ्री नेगेटिव है, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप नाउ, गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज हमारे पास इट इज अ वीकर बेस, हमारे पास इट्स अ वीकर बेस, ठीक है ना, तो इट इज स्टेबलाइज्ड। जो सी एच एक्स थ्री है इट इज एसिडिक, ठीक है, इट इज एसिडिक, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास इट इज जो सी एच एक्स थ्री है, ठीक है, इट इज एसिडिक, तो हमारे पास जो सी एक्स थ्री नेगेटिव है इट इज अ वीक बेस। वीक बेस क्यों? बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक्स एक्स और एक्स, ठीक है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय बोथ इंडक्टिव एंड बैक बॉन्डिंग एज वेल। तो हमारे पास इंडक्टिव और बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज होता है। तो सी एक्स थ्री नेगेटिव बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप विच बेसिकली फेवर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तभी जाके पॉसिबल हो पाया है। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप इज अल्फा सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास स्टेप वन जो यहां पर था वो अल्फा हैलोजनेशन हो गया, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है दैट इज बेसिकली क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज डिफाइनिंग द रेट एज सच। तो जो दैट इज नथिंग बट एस एन ए सी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन टाइप हो गया, मतलब ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास आर सी ओ एच प्लस एक्स थ्री नेगेटिव, बाकी हमें पता है कि एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ओ नेगेटिव प्लस सी एच एक्स थ्री, तो दिस इज योर हेलो फॉर्म। तो अगर हम आई टू presence और OH negative लेते हैं तो the reaction is basically iodoform test, which is basically very important, right? So ये reaction हमें ध्यान देना था और कुछ चीजें यहाँ पर, ठीक है, तो जो rate है इस reaction का, ठीक है, that is your carbonyl compound into OH negative, second order reaction है, SNAC type सी है, ठीक है, और rate of मतलब reaction will be same अगर हम if we use Cl2 use कर लें, Br2 use कर रहे हैं, I2 मतलब क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म सबका rate of formation is same because यहाँ पर जो अल्फा substitution है that is not the ये इसलिए हमने करा बिकॉज ये रिएक्शन बार बार यूज होता है और हम इसमें कंफर्टेबल रहे कि जब भी ये रिएक्शन आए वी शुड बी कंफर्टेबल इनफ कि इसमें जब भी मिथाइल कीटोन आए तो हम ये इमीडिएटली क्लिक कर जाए कि हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन देना है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज है कि अच्छा OH नेगेटिव हो गया तो इसमें एल्डोल भी हो सकता है, तो सो मेनी पॉसिबिलिटीज अगर हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स की बात करें। तो आइडिया इज टू यू नो प्रैक्टिस ऑल द रिएजेंट्स और जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम एकदम से क्लिक कर पाएंगे कि examiner wants us to do with that particular agent, right? So that is quite important as such. So aldehydes ketones ke baad let us move on to the reaction which is important for let's say carboxylic acids, and that is esterification reaction. So ye humne bahut baar use hota hai एसिडिफिकेशन, सिंपल रिएक्शन है एल्डिहाइड, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो SNAC न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन टाइप्स होते हैं, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि वाटर रिमूव हो रहा है, तो OH जो है
वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा और जो एच है वो अल्कोहल का जाएगा. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है. मैकेनिज्म इज अगेन SNAC. ठीक है, बट हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के बेस पे हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे इसको. ठीक है, लाइक फर्स्ट इज कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल्स इज 1 degree, 2 degree, 3 degree. मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो 1 degree तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1 degree अल्कोहल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली. और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कर एसिड इज ऑल्सो 1 degree, 2 degree, 3 degree. मतलब हमारे पास फॉर्मिक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एसिडिफिकेशन विल बी ग्रेटर देन एसिटिक एसिड एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक चीज ये. ठीक है, एक हम और चीज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज जैसे एस्टर बन रहा है, लेट्स से इफ वी हैव समथिंग लाइक अल्फा हाइड्रोक्सी. कि हमें अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें COH और OH एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा या इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो दिस इज अ टिपिकल अल्फा हाइड्रोक्सी, और अगर हम इसमें एच पॉजिटिव डालें तो प्रोडक्ट क्या होगा, विच इज अ मेजर प्रोडक्ट. ऑफकोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी प्रोडक्ट्स, बट हमें मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है. तो सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, गामा हाइड्रोक्सी, डेल्टा हाइड्रोक्सी. तो किसमें क्या क्या बनता है, हमें वो चीजें ध्यान रखनी है. राइट, तो इसमें हमारे पास ये ध्यान रखना है कि जब अल्फा हाइड्रोक्सी है तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा. तो ये ध्यान, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है. तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर एस्टरीफिकेशन हो रही है, इंटरमोलिकुलर नॉट इंट्रा. ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि किसमें इंट्रा होता है, इसमें इंट्रा नहीं होता, इंट्रामोलिकुलर एस्टरीफिकेशन नहीं होता. राइट, तो तो अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहां से हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से OH गया और यहाँ से H निकला और यहाँ से H निकला और ओके, एक्चुअली ये बनाना था, तो यहाँ से H निकला. ठीक है, तो हमें वाटर निकालना था, तो हमें OH निकालना है एसिड से. ठीक है, और H निकालना है ठीक है अल्कोहल से. तो हमारे पास एक साइक्लिक डाइएस्टर टाइप बनेगा. मतलब इसको हमने जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O. ठीक है, और यहाँ पर क्या रह गया, ओ सी एच, और यहाँ पर रह गया सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, तो ये आर, ये तो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज बेसिकली साइक्लिक डायएस्टर. तो जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे तो हमारे पास साइक्लिक डायएस्टर बनेंगे. व्हाट हैपेंस इफ वी हैव बीटा हाइड्रोक्सी. बीटा हाइड्रोक्सी विल बी समथिंग लाइक दिस. देखो, अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी होता, ठीक है, तो हमारे पास this is your beta hydroxy, alpha and beta. So what will happen, it will simply undergo dehydration. ठीक है ना, तो हमारे पास minus water निकलता, ठीक है, और CH double bond CH, हमारे पास एक alpha beta unsaturated acid बनता, तो यहाँ पर conjugated product बनता. ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास डिहाइड्रेशन हो गया. तो मैं ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोक्सी में हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी में डिहाइड्रेशन हो रही है. एंड अबाउट गामा एंड डेल्टा, तो ये गामा एंड डेल्टा में हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर
एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन हो जाएगा। कैसे, आप ये ध्यान दो, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा। तो अगर हम गामा यहां से हम वाटर रिमूव करें, माइनस वाटर, तो इट फॉर्म्स 1 2 3 4 5, फाइव मेंबर रिंग। मेरे पास साइक्लिक एस्टर बने विच आर बेसिकली लैक्टोन्स, एंड सिमिलरली मेरे पास गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा। अगर एक और कर देंगे तो हमारे यहाँ पर भी फाइव मेंबर रिंग बनी है, हमारे पास गामा में फाइव मेंबर रिंग बनी है। अगर हम डेल्टा करेंगे तो भी ऐसा ही होगा, तो हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन्स। तो आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑल्सो क्लियर, राइट? एस्टेरिफिकेशन सिंपल रिएक्शन, जस्ट जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो वी शुड बी एबल टू डील विद इट। तो एज ऑफ नाउ हमने रिएक्शंस काफी कर लिए, हमने रिएक्शंस को देख लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक बार कंसिडर कर लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत रिएक्शंस होंगे जो कि आप एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल द रिएक्शंस एज सच, जितने भी रिएजेंट्स हैं उनको जस्ट गो थ्रू देम। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो रिएक्शंस पूछे गए हैं जेई में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको कैसे डील करना है, किस तरीके के रिएक्शन आते हैं, तो लेट अस गो थ्रू दैट वंस। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन 2019, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो हमारे पास जो रिएजेंट्स आर गिवन और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बताना है, ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, तो फर्स्ट रीजेंट से हमें क्या पता लग रहा है, फर्स्ट रीजेंट से हमारे पास आ रहा है CHCl3 aqueous NaOH, मतलब द बेस का प्रेजेंट दिया CHCl3 जो हमने आज किया था, तो राइमर टीमन रिएक्शन, मतलब इसमें अगर हम ये रीजेंट डालेंगे CHCl3 और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो देखो पैरा पोजिशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो OH तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, तो OH तो CHO लग जाएगा ऑर्थो पोजिशन पे, दिस इज योर राइमन टीमन रिएक्शन, एंड देन यू हैव OH HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो है दिस इज योर कैनिजारो रिएक्शन। तो हमने बोला देखो यहाँ पर भी एक बेंजाल्डिहाइड बन गया ग्रुप, तो विच डजंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, और HCHO में भी एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो हमने बोला कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो HCHO और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में विच इज मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो वी ऑलवेज नो कि मतलब फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब बेंजाल्डिहाइड के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे, तो फॉर्मेल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज, तो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, इसकी ऑक्सीडेशन हुई प्लस ये हो गया, और एसिडिफिकेशन करके ये बन गया फॉर्मिक एसिड। तो दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज ऑल अबाउट। तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था, अगर हमें रिएजेंट्स पता है, नेम्ड रिएक्शन पता है, तो हो जाएगा। तो द आंसर इज बेसिकली द 3, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शन, राइमन टीमन रिएक्शन एंड योर क्रॉस कैनिजारो। ओके, अनदर रिएक्शन हमारे पास, अच्छा दिस इज एन ईथर ग्रुप। रिएक्शन में हमारे ईथर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी कवर हो जाएगा, राइट? तो HBr, H पॉजिटिव
एक्टिव की प्रेजेंस में हमने उसको एसिडिफाई करना है और उसमें बेसिकली रिएक्शन करवाना है, तो हमें पता है कि ये जो एच पॉजिटिव है वो इस ईथर ग्रुप पे भी, इस लोन पेयर पे भी अटैक करेगा और यहाँ पे भी अटैक करेगा, तो दो पॉसिबल अटैक्स हैं, एक्सेस है तो दोनों पे अटैक करना है, ठीक है। और तो फर्स्ट स्टेप इज द एच पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमारे पास ब्रोमीन का अटैक है, तो अब यहाँ पर जब हम ईथर्स करते हैं तो जब ब्रोमीन अटैक करेगा, ठीक है ना, तो ब्रोमीन विल अटैक लाइक फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड इट इज अ सिंपल SN2, बिकॉज दोस्त होते हैं कि अगर या तो ये ग्रुप पहले पहले लीव कर जाए जब मतलब बेसिकली, ठीक है ना, मतलब इट कैन ब्रेक फ्रॉम इधर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, ठीक है ना, तो दोनों में से, तो अब ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करेगा तो अब यहीं से ब्रेक होगा और ये सिंपल बिकॉज ये 1 डिग्री है तो हमारे पास एक सिंपल SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड यहाँ पर अटैक करके फिर यहाँ से फिनॉल बनाएगा और सिंपली यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। राइट, सो दिस इज वॉट वी गेट एंड आई थिंक सिंपल। तो एल्कीन्स में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, ठीक है, और हमें रिएक्शन ऑफ HX ऑन ईथर ये भी कर दिया टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट ROH एंड RX, ठीक है ना, तो दोनों पार्ट हमने ईथर का भी रिएक्शन डिस्कस कर लिया। ओके, सो द मेजर प्रोडक्ट वाई, तो दिस अगेन इज आस्क्ड इन 2019, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है, ठीक है, इट इज योर, तो पहले तो सबसे पहले होता है कि आप आइडेंटिफाई करो जो रिजेंट कौन सा है, ठीक है ना। अच्छा, क्या मैं बोल सकते सोडियम हाइपोक्लोराइड को देने का एक और तरीका हो सकता था, एंडनेवाज इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ये हमने अभी रिएक्शन करा है, दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो ये रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ये जो रिएक्शन है वो हैलोफॉर्म का रिएजेंट है ना, हैलोफॉर्म रिएक्शन हमें पता है कि ये मिथाइल कीटोन भी है, ठीक है ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स एसिडिफाई कर दिया है बिकॉज आगे जाके हमें प्रोडक्ट वही लिखना है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज CHCl3, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट में ये बेंजोइक एसिड बन गया, उसके बाद नाउ SOCl2 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट जो कि रिप्लेस करता है OH को, तो वी गेट बेंजोइल क्लोराइड, ये बन गया Cl, sorry. And last but not least, अगर मैं एनिलिन के साथ इसको रिएक्ट करवाऊं तो एनिलिन अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यहां से H पॉजिटिव लूज हो जाएगा, तो द प्रोडक्ट वी गेट इज दिस CONH प्रोडक्ट वी गेट। तो अगेन इट इज ऑल इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विद द रिएजेंट्स व्हाट दे डू, व्हाट इज देयर रोल, तो उसके बाद एक बार रोल अगर हमें क्लियर है तो कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। तो SOCl2 क्लोरीनेट करवा, पहला रिएक्शन जो था वो हैलोफॉर्म का था, SOCl2 क्लोरीनेट करवाता है और उसके बाद एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिड क्लोराइड्स, मेरा आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो ये रिएक्शंस भी जेई में पूछे गए हैं, सिंपल है। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज, वी नो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ किस के रिएक्ट करके उनको रिड्यूस करता है, तो बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन की बात होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रुप है तो हमारे पास एक जो न्यूक्लियोफाइल है, तो दिस इज बेसिकली योर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन,
plus G negative. So it depends upon the leading group tendency also, right? तो हमारे पास जो order of reactivity होती है वो सबसे पहले तो हमारे पास leading group tendency acid chlorides are the most reactive because Cl negative, ठीक है ना. उसके बाद हमारे पास esters होते हैं. उसके बाद हमारे पास this RO negative होता है. मतलब अगर हम देखेंगे तो leaving group कौन सबसे आसानी से लीव कर सकता है ना, तो Cl नेगेटिव की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. उसके बाद हमारे पास CH C2H5 CO नेगेटिव की ज्यादा रहेगी. उसके बाद CH3O नेगेटिव रहेगी. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज माई नेगेटिव. तो डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है, तो वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी. तो यही उसकी रिएक्टिविटी को भी डिसाइड करता है. तो हमारे पास एक सिंपल ये इसका बेसिकली लॉजिक यही है कि द रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की न्यूक्लियोफिलिक असाइड सब्स्टिट्यूशन के की रिएक्शन की टेंडेंसी क्या रहे. तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, हमारे पास एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव फॉलोड बाय एस्टर्स एनहाइड्राइड्स एंड देन एस्टर्स एंड देन अमाइड्स एज सच. दिस इज एनहाइड्राइड. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर द फॉलोइंग इज. अब ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर द एस्टर्स. अब हमारे पास एस्टर्स गिवन है आरओ नेगेटिव. अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक SNAC टाइप रिएक्शन. तो दोनों रिएक्शन एक ही जैसे हैं तो इसलिए मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है. और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर भी जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है दैट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो जितना यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना ज्यादा आसान होगा. तो अगर यहाँ पर आर में, ठीक है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट विल बेसिकली फेवर द अटैक. ऑफ कोर्स स्टेरिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर अगर हम चार ऑप्शन देखें तो स्टेरिक फैक्टर्स तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही है. तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रो में सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो बेसिकली मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच फेवर्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो सिंपली हमारे पास इसका माइनस एम है, इसका प्लस एम है, इसका माइनस आई है. तो डिपेंडिंग अपॉन जो कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो रेट को उतना ही बढ़ा रहा है. तो 3, 2, 1 and 4 तो सिंपल रिएक्शन से बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली फॉलोइंग ए एंड बी. प्रोडक्ट फॉर ए एंड बी आर इन दिस रिएक्शन. एक बार हम ये प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या. ओके, सो हमारे पास इसमें OH नेगेटिव है, मतलब एक एल्डिहाइड एक कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें हमने OH नेगेटिव डाल दिया. और यहाँ पर हमें बेसिकली एक एल्डोल बताना है. It will be an aldol. और as आप option भी देख सकते हो और हम देख सकते हैं it is an intramolecular aldol product. ठीक है, तो कहाँ हमें पता है कि एक aldehyde group है और एक ketone group है. तो हमारे पास aldehyde और ketone में से कहाँ पर addition होती है, तो it is always on aldehydic group और it always lead to formation of 5 or 6 membered ring as such. तो addition यहाँ पर होनी है, तो 1, 2, 3, 4 मैंने एक कार्बन शायद थोड़ा कम बनाया है, यहाँ पर एक कार्बन और है. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है. तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ से एक्स्ट्रा अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर बनेगा, तो इट विल बी अ 6 मेंबर्ड रिंग. ठीक है ना, तो जो 6 है यहाँ पर, जो यहाँ पर OH है, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 1 है वहां पर OH होगा. ठीक है, यहाँ पर और 3 पे डबल बॉन्ड O होगा एंड 4 पे हमारे पास दो सी ऐसे ग्रुप होंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो रहा है. और अगर हमें
डिहाइड्रेशन करवानी है तो डिहाइड्रेशन बेसिकली दिस इज योर अल्फा दिस इज योर बीटा, तुम्हारा जो डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। दिस इज ए एंड बी, ठीक है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन में हमारा दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि इट इज ऑलवेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिक्स मेंबर्ड रिंग, और जिसमें हमेशा एडिशन का ध्यान रखना है, एडिशन हमेशा एल्डिहाइडिक ग्रुप पे होती है, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल एंड आपके पास एक एल्डोल बनाना है, दूसरा उसको इसका डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बनाना है। तो आई थिंक दिस इज फेयरली सिंपल, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो, द ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए। Okay, so this is a question which was asked in 2020 as such. The major product, okay, this reagent is oxymercuration demercuration type reaction, na? तो ये hydration करवाता है, तो हमारे पास जो X होगा, ये हमें directly लिखना आना चाहिए। Marconic oxidation हो जाती है, it basically forms this. तो एक ketone बन जाएगा, है ना? और इसमें अगर मैं CH2Br negative add करवाऊँ, तो एक MgB RMgX की एडिशन है, तो वो अटैक करेगा यहाँ पर और फॉलोड बाय H2O, तो मैं जो X है वो लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2CH3 है। अब इसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, तो मैं पता है कि यहां से प्रोटोनेशन होके, ठीक है, प्रोटोनेट करेगा ये और उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द स्टेबल एल्केन। तो हमारे पास ये बीटा, हमारे पास दिस इज बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, तो ऑफ कोर्स दिस इज प्रेफर्ड, तो यहां से हमारे पास ये वाटर निकल जाएगा, यहां से दिस बीटा हाइड्रोजन विल बी एक्सट्रैक्टेड टू गिव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, हमें पता है कि सेटजेफ एल्कीन बनती है, ठीक है। तो हमारे पास अगेन फोकस ऑन द रिएजेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन इज योर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स टू फॉर्म एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन है, तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हो रही है जिससे कीटोन बनेगा, और उसके बाद मेरे पास आर एम जी एक्स एक कीटोन बन गया जिसमें एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारे पास एल्कोहल बना, एंड द सेकेंड रिएजेंट इज योर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विच वी ऑलरेडी डिस्कस, डिहाइड्रेशन फॉलोइंग E1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा और उसमें हमारे पास एक स्टेबल सेटजेफ एल्कीन बनेगी, तो दिस इज आंसर विल बी 3। ओके, so identify A in the following reaction sequence as such, A gives a positive iodoform test, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो इट हैज टू बी अ मिथाइल कीटोन, तो हमारे पास चार ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ठीक है सभी में है, और हमारा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो बेसिकली हमें सारे प्रोडक्ट्स चेक करके देखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया लगाना है, बट जस्ट हैव अ लुक एट द रिएजेंट्स फर्स्ट। तो मैं पहली ऑप्शन ले रहा हूँ विच इज करेक्ट, आप सारे ऑप्शन को एक बार चेक करके देख सकते हैं, तो लेट्स से इसमें फोकस ऑन द रिएजेंट, रिएजेंट्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। तो हमारे पास This is the reagent. अगर इसमें हमने CH3MgBr डाला, मतलब CH3 negative का attack, nucleophilic, and followed by, let's say, H positive, तो हमारे पास एक alcohol बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला और हीट किया, विच मीन्स के यहाँ से OH नेगेटिव निकलने वाला है, प्रोटोनेट करके ये निकल जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से होगा,
which forms an electrophile. Electrophile can attack on benzene. Benzene पे electrophilic addition हो सकती है और ये position preferred है because अगर यहाँ पर attack करेगा तो एक five member ring बनेगी, है ना? ओके ऐसा कुछ हो ओके तो अच्छा तो यहाँ पर हमने एक CH3 एक्चुअली मिस कर दिया, तो बिकॉज CH3 की एडिशन यहाँ पर हुई थी तो CH3 एक और आएगा यहाँ पर. That's what we are missing. ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 और आएगा, right? तो अब यहाँ पर हमने next जो reagent है वो ozonolysis का है, तो ozonolysis हमें पता है कि यहाँ से break हो जाएगा, तो first ozonolysis और उसके बाद zinc water डाल दिया, तो ozonolysis का हमारा जो product है वो यही बनेगा. डबल बॉन्ड CH3 तो जो हमारा फाइनल जो गिवन प्रोडक्ट है, राइट? सो आइडिया काफी क्लियर है, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच जो हमें बनाना था, और जस्ट क्लिक केयरफुली लुकिंग एट द रिएजेंट्स, तो हमें बेसिकली चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हमारे लेकिन अप्रोच क्या है कि जस्ट आइडेंटिफाई द रीजन्स एज सच. हमारे पास लेट्स से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ CH3 नेगेटिव, ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन है जो कि अल्कोहल बनाएगा. कीटोन है तो हमारे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री यहाँ पर दो CH3 लगे हुए हैं OH के साथ. उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के पर यहाँ पर प्रोटोनेशन होके वाटर निकल जाएगा, तो एक कार्बोकेटाइन बना. कार्बोकेटाइन बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग इस पोजीशन पे अटैक करेगा बिकॉज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 5-membered रिंग, राइट? तो 5-membered रिंग के बाद अब इसकी ओजोनोलिसिस करवा दी, तो हमें पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनना था वो हमारे पास वन से बन रहा है. तो आई थिंक ऑल द रीजेंट्स आर क्लियर टू अस, एंड यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस विद अदर 2, 3, 4 के साथ भी आप देख ही सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पहले से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है. तो अगेन रिएजेंट्स आर इंपॉर्टेंट, एंड द वेरी जेनरिक जो रिएक्शंस हैं वो गिवन थी यहाँ पर. ओके सो the most, this is also asked recently in the exams, the most suitable region for the given conversion is, to hamare paas ek hamare again जैसा मैंने बोला कि रीजेंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रीजेंट्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर रीजेंट्स नहीं पता होंगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है. तो हमारे पास COH है, साइनाइड है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है और एक कमाइड है. हमें बेसिकली इसकी सिलेक्टिव रिडक्शन करवानी है, सिलेक्टिव रिडक्शन जो कि सिर्फ COOH को रिड्यूस करे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए वो पता होना चाहिए रिएजेंट्स. तो हमें पता है कि हमारे पास BH3 और B2H6 डायबोरेन ये रिएजेंट याद रखने हैं, बिकॉज डायबोरेन स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए होता है. अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेंगे तो ये तो कन्वर्ट होगा ही, ये अमाइड को भी रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड कीटोन्स को भी रिड्यूस करेगा और साइनाइड्स को भी रिड्यूस करेगा. सेम गोज विद H2 एंड पैलेडियम, ग्रेटर एफिनिटी टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, तो ये भी सबको रिड्यूस कर ही देगा. और NaBH जनरली सिर्फ ये सिर्फ रिड्यूस कर पाएगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को. तो यहाँ से द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा रीजन
रीजेंट है वो B2H6। तो सिमिलरली आपने बहुत ही सिलेक्टेड जो रीजेंट है उनको भी करना है, जैसे एक हमारे पास डाइबाल एच होता है, तो डाइबाल एच इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग सिलेक्टिव रिडक्शन करवाता है, ठीक है ना। हमारे पास साइनाइड्स की ठीक है, एसिड क्लोराइड्स की और एस्टर्स की, तो टू एल्डिहाइड्स एज सच, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू विद ऑल द रिएजेंट्स एज सच जो कि हमारे लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो एज सच हमने इस सेशन में बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया, मैकेनिज्म डिस्कस किए एंड द क्वेश्चंस ऑल्सो, और एक हमें बेसिक आइडिया पता लगा कि हमें पढ़ना कैसे है और हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। रिएजेंट्स बेस्ड भी थे और मैकेनिज्म बेस्ड भी थे, ठीक है। तो अगेन जस्ट रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन इन दिस सेशन एक बार, और इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आए और डेली बेसिस पे रिएजेंट्स को रिवाइज करें। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।